हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के कॉन्सेप्ट गॉस थ्योरम पे वर्क करेंगे। और उस पे वर्क करने के पहले मैं प्रशांत सिंह आपके फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस से, जिसमें हम इस समय आपके 9 टू 12th के डिफरेंट पार्ट्स पे बेसिकली वर्क करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिससे आपका किसी भी तरीके से फर्दर लॉस ना हो इन वैकेशंस, अनवांटेड वैकेशंस में। मीन्स ये जो वैकेशंस चल रही हैं, इसमें हम सभी लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हमें इन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनर में फेस भी करना है। देयर इज़ नो ऑप्शंस टू प्रिवेंट दीज कंडीशंस। तो गाइज, मैं प्रशांत सिंह, आपका अपना प्रशांत सिंह, आपके फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस से, आज हम क्लास 12th के स्पेसिफिक टॉपिक गॉस थ्योरम पे वर्क करने चल रहे हैं। तो गाइज, अगर हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम प्रॉपर मैनर में इस चीज को समझ लेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द गॉस थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्पेसिफिक टास्क समझ लेना है कि गॉस थ्योरम को समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द गॉसियन सरफेस। देखिए, कभी भी किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, किसी भी स्पेसिफिक सरफेस से हमें अटैच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लीजिए आपने एक स्फेरिकल सरफेस ले रखा है, एंड फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, then you must have to find an hypothetical surface, and that hypothetical surface is known as the Gaussian surface. जिस hypothetical surface को लेकर के उसके calculation के basis पे आप इस total spherical surface की electric field को calculate करते हो, that is known as the Gaussian surface. Now we are moving on the Gauss theorem. तो सबसे पहले हम इसके statement को देखते हैं, what is meant by the Gauss theorem. इसका जो स्टेटमेंट होता है गाइस, वो होता है प्रैक्टिकली गॉस थ्योरम को अगर समझना है तो आपको बताया जाता है कि किसी भी स्पेसिफिक सरफेस से पास होने वाले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस सरफेस के थ्रू कंटेन किए गए चार्ज के 1/ε टाइम्स होता है। मींस किसी भी सरफेस से टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू द 1/ε टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज होल्ड बाय द सरफेस। अब आप समझिएगा, चार्ज जो होता है एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। चार्ज जो होता है, चार्ज की इंटेंसिटी ही जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी चीज आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो भी क्या करता है, आपका चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने का वर्क करता है। तो आप बेसिकली ये बता सकते हो कि नेट चार्ज कंटेन्ड बाय एनी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता है, और नेट चार्ज जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है और चार्ज भी, तो यू कैन से इट एज समथिंग लाइक दिस, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज कंटेन्ड बाय द सरफेस, एंड फाई ई इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज मीन ऑफ दिस, इट मींस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटेन्ड बाय एनी सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स the charge holded by the surface. तो अगर हम इसके statement पे guys work करेंगे, तो statement हमारे पास एक बड़ा simple सा होता है। अब हम देखते हैं वो statement हमारे पास क्या है। तो guys, statement हमारे पास होता है, the total flux through a closed surface is is 1/ε times the net charge enclosed by the closed surface. ये तो आपकी book language रही, but practically हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि net flux passes through a surface
is 1 upon epsilon epsilon naught times of net charge q of net charge enclosed by the spherical surface. हम इसे स्फेरिकल सरफेस भी कह सकते हैं या प्रैक्टिकली हम इसको क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको बताया जा रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से जो नेट फ्लक्स आपका फाई ई पास आउट होगा उस सरफेस से, दैट विल बी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिकली आप इस चीज को देखना चाहेंगे तो मैथमेटिकली आप इस चीज को देख सकते हो अगर आपको phi e की वैल्यू को फाइंड आउट करना है देन इट कैन बी रिटन एज e dA दैट इज इक्वल्स टू द होल इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर आप इसे a भी कर सकते हैं, द होल इंटीग्रेशन ऑफ the whole integration of EDA EDA that is equals to Q upon epsilon naught। यहाँ पर आपको ये total मिलता है। अब इसको practically अगर हम proof करना चाहेंगे तो इसका proof आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। You have an Gaussian surface, you have a spherical surface and this is the Gaussian surface, assume। अब यहाँ पर देखिए आपको इसका रेडियस दिया गया r, दिस इज द रेडियस r, और यहाँ से आपने ये गॉसियन सरफेस को सेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस आपको नेट मिल रहा है, यहाँ पर नेट चार्ज आपका कितना है q, और यहाँ पर आपको टू थिंग्स मिल रही हैं। वो टू थिंग्स क्या है, सरफेस एरिया जो होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर अगर आप जो है एरिया वेक्टर देखना चाहोगे दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर and this is plus q charge then electric field also will be away from the center। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखना है guys कि net electric flux, यहाँ पर सबसे पहले आप बता देंगे according to given figure। तो guys आपको language नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपका जो ये figure दिया गया है ये proper manner में सही होना चाहिए। According to given figure, अगर आप according to given figure चलते हैं तो net flux through the Gaussian surface, net flux through the Gaussian surface can be given as E। तो यहाँ पर जब आप phi e निकालेंगे तो phi e will be whole integration of e dA cos theta। यहाँ पर e dA cos theta मिला but theta equals to 0 degree। Why theta equals to 0 degree? Because angle between electric vector and area vector parallel to each other, दोनों एक दूसरे के parallel हैं, then it can be written as phi e equals to e आपका जो होगा that will be constant, it is taken from the outside of the integration, and यहाँ पर आपको जो dA मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पर जब ये cos 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, whole integration of dA। अब देखिए अगर आपको इस पूरे के पूरे shape का area निकालना है तो यू नो इट वेरी वेल गाइस कि स्फीयर का जो एरिया होता है फॉर स्फेरिकल पार्ट द होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू 4πr² वर r इक्वल्स टू रेडियस। आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्ट होता है दैट इज 4πr², जहां पर r आपका क्या होता है, रेडियस होता है। तो गाइस जब आप इसको पुट करोगे
तो phi e can be written as phi e equals to e into 4 pi r square, 4 pi r square. गाइस यहां पर आप e की वैल्यू को प्लेस कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड r स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर प्रैक्टिकली आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा गॉस थ्योरम का. तो यहां पर आपने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड. तो गाइस यहां पर आपको गॉस थ्योरम के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटेंड बाय एनी सरफेस के लिए चल रहे हो, यानी किसी सरफेस के थ्रू कंटेंड किए गए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है कंटेंड बाय एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के थ्रू होल्ड किए गए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा. तो प्रैक्टिकली आपको बताया गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटेंड बाय या पासेस थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल्स टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज होल्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. तो प्रैक्टिकली ये एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिया गया है, दिस इज नथिंग एल्स, ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये आपकी परमिटिविटी की ही वैल्यू होती है. अब यहां से आपको एक चीज छोटा सा और जो एक्सप्लेन करना है वो ये है कि जो आपने ये गॉस थ्योरम पढ़ा, प्रैक्टिकली दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. हमें ये प्रूव करना है कि ये कूलम्स लॉ का ही एक और फॉर्म होता है. तो गाइस चलिए हम इस पे अच्छे से वर्क कर लेते हैं कि ये कूलम्स लॉ का ही कैसे एक और फॉर्म है. तो जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या आ सकता है. तो देखिए यहाँ पर डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को आपको डिडक्ट करना है. तो यहां पर देखिए आपने सीधा सा एक फंडामेंटल देख रखा है, वी नो फॉर एनी गॉसियन सरफेस. अगर आप चाहें तो आप अज्यूम कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं फॉर एनी गॉसियन सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू द होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए. व्हाई? बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 इक्वल्स टू 1. क्लियर है यहां पर? EDA cos theta होता है, but zero को theta equals to 0 degree क्योंकि DA and E will be always parallel to each other, means angle between them equals to 0 and cos 0 will be equals to 1. तो phi की value आपको क्या मिल जाएगी? The whole integration of EDA. Again, this is equation number 1. Again, by Gauss theorem. By Gauss theorem, phi e equals to q upon epsilon naught. Equation number second. अब जब दोनों equations को आप लेकर के equivalent रखोगे, because both are the values of electric flux contained by a surface. तो यहाँ पर जब दोनों में ही आप लेकर चलोगे, तो by equation first and second, दोनों equations को जब आप separately लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा the whole integration of EDA that is equals to q upon epsilon naught. यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे guys, तो ये E हो जाएगा. DA की value होती है 4 pi r square for the sphere and it will be q upon epsilon naught.
वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू 1/4 epsilon naught Q/r². दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस थ्योरम. नाउ वी हैव टू फाइंड द इफ अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज placed at the surface of a sphere, then net force acting on it. तो यहाँ पर F की वैल्यू जो होती है that is equals to E into Q naught. ये फॉर्मूला आपका वही है E equals to F upon Q naught. तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू को पुट कर दीजिए तो F will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q Q naught upon R square Newton. This is the required relation for your Gauss theorem. यहाँ पर देखिए this is Coulomb's law. This is Coulomb's law. तो आपने क्या किया यहाँ पर गाइस गॉस थ्योरम का प्रैक्टिकली यूज करते हुए कूलम्स लॉ को आपने रिप्रेजेंट कर दिया. तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि दीज टू लॉज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कॉन्सेप्ट के ही टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जिसमें अब देखिए कैसे ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बच्चों एफ से आपने ई को निकाला है, ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला है. तो गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड आपका जो कूलम्स लॉ है वो फोर्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. तो दोनों ही एट लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक फिक्स कॉन्सेप्ट पे आपको ले जा करके रोकते हैं जिसको आपने यहाँ पर देखा 1/4 pi epsilon naught Q/r². तो चाहे आप कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे देन रिजल्ट विल बी दिस, और चाहे आप गॉस थ्योरम मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से इस पे आएंगे देन रिजल्ट विल बी दिस. तो गाइज यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पिक कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है. जैसे आपको दिया गया इफ ई इज गिवन बाई किसी स्पेसिफिक सरफेस के लिए आपको E की वैल्यू दी जा रही है एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर एनी स्पेसिफिक सरफेस इज गिवन बाय 6i cap प्लस 3j cap प्लस 4k cap. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अ सरफेस एरिया. आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू YZ प्लेन निकालना है एंड एरिया इज 20 यूनिट. तो यहां पर प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपको XY प्लेन दिया गया है. तो when XY प्लेन इज टेकन then X and Y component of area vector becomes zero. यहां पर आपका ये जीरो हो जाएगा तो आपको सिर्फ Y component मिलेगा when X and Y plane is taken then x and y component of area vector becomes zero, z component कितना हो जाएगा आपका 20 k cap. तो यहां पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज EdA. नाउ सॉल्व इट. जब आप सॉल्व करेंगे तो 6i cap प्लस 3j cap प्लस 4k cap मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे आपके कंपोनेंट्स
ऑफ एरिया वेक्टर बिकम जीरो, तो जीरो वाई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस 20 के कैप। सॉल्व इट गाइस, ये आई और जे कंपोनेंट का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 80, 20 4 जा 80। अब यहाँ पर आप जब सीधे सीधे देखोगे तो ई का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज आंसर इज 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो गाइस यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से पिक करते हैं जिसमें आपको दिया जा रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ एल। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, एक आपको हेक्सागन दिया गया है। द होल क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच 6 फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ एल इफ चार्ज Q is placed at center and one of its vertices। तो एक बड़ा सिंपल सा केस यहाँ पर है गाइज, आप अगर इस चीज को देखना चाहोगे तो आपको एक सिंपल सा केस जो मिलेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूब। तो आपको पता है कि ओवरऑल कितने फेसेस होने हैं, 6 फेसेस होने हैं, क्यूब हैज 6 फेसेस, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट इट्स सेंटर। तो यहां पर आपको देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 फेसेस हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी एक फेस से ओवरऑल जो आपका होगा वो कितना होगा q upon epsilon naught, but आपका जब ये 6 पार्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 q upon epsilon naught। यहाँ पर बच्चों आपको ये प्रॉपर मैनर में मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप चाहे तो इसकी यूनिट को भी लिखेंगे एंड विदाउट यूनिट आंसर विल बी नॉट करेक्ट, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पर आपको क्यूब के सेंटर पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलना है दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया गया क्योंकि क्यूब जो होता है वो एक सिमेट्रिकल शेप होता है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये पार्ट मिल जाएगा। तो गाइज हम आज की क्लास में इतने पे ही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे वर्क करेंगे एंड आई होप सो कि आपको गॉस थ्योरम एंड उसके थ्रू उसकी हेल्प से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन आपको प्रॉपर मैनर में समझ में आया होगा। दैट इज सफिशियंट फॉर टुडे। बी प्रोग्रेसिव, बी मोटिवेटेड एंड बी एनर्जेटिक। थैंक यू क्लास।